जगनेर रोड नरीपुरा चौराहा स्थित सागर गार्डन क्षेत्र के लोगों के मांगलिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए उचित स्थान है। कुछ ही सालों में सागर गार्डन क्षेत्र के लोगों की पहली पसंद बन गया है। जगनेर रोड नरीपुरा चौराहा स्थित सागर गार्डन लोगों के मांगलिक कार्यक्रमों के लिए उचित स्थान है। सागर गार्डन के संचालक धर्मेंद्र सागर ने बताया कि यह क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है, इसको देखते हुए मांगलिक कार्यक्रमों का किराया काफी कम रखा गया है। असल में हमारा ये क्षेत्र काफी पुअर है, तो बहुत ही कम पैसे में हम अच्छी सुविधा देते हैं और एक बजट के हिसाब से इस क्षेत्र के बहुत सारे लोगों से हमें उम्मीद रहती है और क्षेत्र के लोगों को हमसे उम्मीद रहती है कि एक लो बजट में सागर गार्डन में सभी लोगों का आते सत्कार होता है। मैं अपने प्रतिष्ठान सागर गार्डन नरीपुरा चौराहे पर स्थित है। दीपोत्सव की पूर्व संध्या पर धर्मेंद्र सागर ने शहरवासियों को दीपोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए दीपावली पर शहर को प्रदूषण से दूर रखने के लिए कम मात्रा में आतिशबाजी व पटाखे चलाने की अपील की है। काफी दिनों के बाद में बड़ी शांति पूर्वक हमारा दीपावली का त्यौहार आ रहा है, क्योंकि इससे पूर्व कोविड के तहत हम लोगों का त्यौहार बड़े असमंजस में रहा। दीपावली के इस पावन पर्व पर मैं सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। साथ ही अपने मित्रों से शहरवासियों से एक निवेदन करता हूँ, चूँकि जो आतिशबाजी है उसको थोड़ा कम मात्रा के पटाखों का प्रयोग करें। पिछले कोविड काल में लोगों को अस्थमा की बीमारी, सांस की बीमारी रही थी, कम पटाखों के प्रयोग से जनहानि से ही बचे रहेंगे। और साथ ही सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मैं चाहूँगा कि आप मात्र 2 घंटे या 2.5 घंटे अधिक से अधिक का प्रयोग करें पटाखों का। अपने प्रतिष्ठान सागर गार्डन की तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। मांगलिक कार्यों के लिए सागर गार्डन क्षेत्र के लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। सी न्यूज़ के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।